नमस्कार दोस्तों, मैं अयाज खान और इस समय हम रानी दिलवरजानी के सेट पे हैं। आइटम सॉन्ग चल रहा है और हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर राजेश सिंह जी हैं और ये कुछ फिल्म के बारे में बताएंगे। प्लीज राजेश जी, पिक्चर का नाम रानी दिलवरजानी है और ये बहुत ही फनी पिक्चर है। मुझे ऐसा लगता है भोजपुरी में एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि हीरो तो है मगर उसके इर्द गिर्द भोजपुरी पिक्चर के खूंखार कलाकार होनहार, मतलब जो बोलो कम है, जिसमें कि इसके कलाकार पहले तो रानी चटर्जी है और उसके बाद मोनालिसा है, पार्की हेगड़े जी हैं, एजाज खान हैं, अनिल यादव हैं, कुणाल सिंह हैं, सीमा सिंह हैं और इसका डायरेक्टर खास करके बाली जी हैं, जिन्होंने इतना मेहनत करके इसके पंचे, इसके डायरेक्शन, इस पिक्चर पे पूरा उन्होंने कमान रखा है कि किस तरह ऑडियंस का, जो हम 50 रुपया लेते हैं या 30 रुपया लेते हैं, उसका किस तरह उसका देखने वाले ऑडियंस का दिल खुश हो और उसका पैसा वसूल हो। इस पिक्चर का सबसे बड़ा सार, उसके बाद दूसरा नंबर श्याम ज्ञाति का है जिसने इस पिक्चर में हीरो का भी काम किया है और इसका म्यूजिक का जो जिम्मेदारी है उसका बागडोर उसने बहुत ही एक खूबसूरत तरीके से उसे संभाला है और गाने के बोल, म्यूजिक, उसकी जो मेलेडी है उसमें खास करके उन्होंने अपना जान लगा दिया है। और बस इस पिक्चर का मैं यही ऐसा सोचता हूँ कि अगर ये पिक्चर पब्लिक को पसंद आती है तो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक टनअप होगा और ऐसे ढेर सारे पिक्चर बनेंगे जिसमें कि पब्लिक को मजा आएगा और पब्लिक का पैसा वसूल होगा। धन्यवाद। नया प्रोग्राम बस यही है कि ये हम लोगों के सामने परोसे और अच्छी तरह से पब्लिक इसका एंजॉय करे, उसके बाद इसी तरह का हम दूसरी कहानी पे काम करेंगे और आगे फिर से ऐसी पिक्चर बनाएंगे। अब इसकी रिलीज समझे पिक्चर तो कंप्लीट है, कुछ एक दो दिन का रह गया है, क्लाइमेक्स है, बाकी कंप्लीट है और बहुत इसके बाद फास्ट काम चल रहा है। इसकी एडिटिंग भी अभी चल रही है और कैसे इसकी पूरा काम हो जाएगा, सेंसर होगा और पिक्चर को रिलीज करूंगा, क्योंकि मैं खुद डिस्ट्रीब्यूटर हूं और मैं इससे भी, मतलब जिसको लोग बोलते थे कि वो ऐसा वैसा, उसको मैंने अच्छे अच्छे थिएटरों तक पहुंचाया, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन कलाकारों की ताकत पे, इनके फेस वैल्यू पे मैं इस पिक्चर को बहुत ही एक बड़े भोजपुरी पिक्चर के लेवल में मैं इसको रिलीज करूँगा। इस पिक्चर का सबसे बड़ा क्रेडिट अगर जाता है तो बाली जी को जाता है और दूसरा नंबर पे श्याम ज्ञाति और इस पिक्चर के जितने कलाकार हैं उनको जाता है। धन्यवाद।